नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। दो दिन पहले सिलडाए घर के हद में हुई ट्रिपल सुसाइड मामले में सिलडाए घर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम मनोहर वसंत पाटिल है और दूसरे का नाम वैभव चंद्रकांत पाटिल है। दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार की है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया है। दोनों को 9 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। और गिरफ्तार हुए ये दोनों आरोपी मनोहर पाटिल वैभव पाटिल, ये दोनों आरोपी मृतक शिवराम रामा पाटिल के भाई के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम हैं सिलडाएगर पुलिस स्टेशन में। 2 मार्च को दहिसर के वाकलन गांव में ट्रिपल सुसाइड की घटना सामने आई थी। उसमें एक नया मोड़ आया है। आत्महत्या करने वाले शिवराम पाटिल ने अपने सुसाइड लेटर में जिन 13 लोगों के नाम लिखे थे, उन 13 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी मरने वाले शिवराम पाटिल के सगे भाइयों के दोनों बेटे हैं और दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 306, 201, 34 लगाई गई है और 9 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पुलिस द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि सुसाइड लेटर में जिन 13 लोगों के नाम लिखे गए थे, उनमें से 11 लोग फरार है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और हम आपको ये बात जरूर बताएंगे कि जमीनी विवाद को लेकर मृतक शिवराम रामा पाटिल ने अपनी पत्नी और 6 साल की मासूम बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस इस पूरी आत्महत्या के पीछे असली राज क्या है और क्या नए राज हैं, जिसको लेकर सिलडाएगर पुलिस काफ़ी गंभीर बनी हुई है और इसकी तलाश कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कुल 13 लोगों का नाम लिखा है, 2 को गिरफ्तार किया है और 11 लोग फरार हैं। और फरार हुए लोगों का नाम है काशीनाथ पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, वसंत पाटिल, रमाकांत पाटिल, नागनाथ पाटिल, रोहिणी काशीनाथ पाटिल, रोशनी पाटिल, स्वर्णा पाटिल, शोभा पाटिल, प्रवीण पाटिल, सुभद्रा पाटिल, ये लोग फरार हैं। इस पूरे मामले में सिलडाएगर पुलिस ने सभी 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 306, 201, सबूत मिटाना या गलत जानकारी देना और 34 के तहत FIR दर्ज किया है। और इस ट्रिपल आत्महत्या के मामले में फरार सभी 11 लोगों को, जो आरोपी हैं, सिलडाएगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI चंद्रकांत जाधव के मार्गदर्शन में API ब्रिजेश शिंदे और उनकी टीम सरगर्मी से तलाश कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।